रत्नाथ ने पुरानी सरकारों के वक्त में खराब कानून व्यवस्था की याद दिलाई और अपनी सरकार में माफियाओं पर हो रही कार्रवाई के बारे में जनता को बताकर वोट की अपील की। मऊ में घोसी के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। घोसी में घमासान अब अपने चरम पर है। बीजेपी और सपा के शीर्ष दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घोसी के रण में उतर चुके हैं और दारा सिंह चौहान को विजयी प्रत्याशी बनाने के लिए हुंकार भरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोसी में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगे और सपा कांग्रेस पर एक के बाद एक जमकर निशाने भी साधे। सीएम योगी ने कहा कि मऊ के दंगों को लोग भूले नहीं हैं। आज भी लोग 2005 के दंगों को याद करते हैं। जब मऊ में सपा के शासनकाल में दंगे हो रहे थे तो मैं आवाज उठाता था। घोसी के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगावाद और माफिया असला लगाते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और नहीं कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगावादियों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस कानून व्यवस्था और माफिया राज के सफाए पर रहा। सीएम योगी ने घोसी की जनसभा में कांग्रेस और सपा को घेरने की कोशिश की और पुरानी सरकार के दौरान गरीबों की जमीनों पर होने वाले कब्जों की याद भी दिलाई। सीएम योगी ने कहा कि अब उनकी सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त है। आज कोई किसी की जमीन हथिया नहीं सकता है। आज किसी की जमीन पर कोई दबंग कब्जा नहीं कर सकता है। इसके लिए बुलडोजर तैयार बैठा है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सुना लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन को कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। घोसी के चीनी मिल मैदान में सीएम योगी ने जनसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और जनता से बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को जिताने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।